ये मैंने फ़ोन जावा के पट्टे लिए थे माशाल्लाह से, ये अब बड़े हो गए और अभी मैं इनकी बहुत जल्द इनकी पेयरिंग करूँगा और इनको बॉक्स दूंगा, फिर ये पेयर मैं इंशाल्लाह अलग अलग करूँगा। ठीक है, माशाल्लाह सब बड़े हो गए और रेडी टू ब्रीड लेना ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, आप फोन लेना माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके लिए भी दुआ किया करें और मेरे चैनल को आप देखा करें, लाइक सब्सक्राइब किया करें। आपका ताउन और आपकी जो है नुमाई और पसंद भी जो है ना फिर मोटिवेट करती है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन नहीं होगी, फिर बंदे का दिल टूट जाता है। काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आज अपने ही सेटअप आपको दिखाता हूँ और माशाल्लाह से मेरे सेटअप में ब्रीडिंग हुई है और ब्रीडिंग होने की वजह भी मैं बताऊंगा। बहुत गर्मी है, गर्मी में भी ब्रीडिंग हुई है माशाल्लाह से, और इसके लिए मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, क्या रखा, क्या किया, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरा ब्लॉग देखिएगा और चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, चले आइए। ये पीछे मैंने यहाँ पंजे कमरे में रखे हैं, बहुत गर्मी है और मैंने पंखा वगैरह भी लगाया हुआ है और इस गर्मी के मौसम में मैंने परिंदों के लिए एक पाउडर भी बनाया हुआ है। उस पाउडर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखें ये पाउडर, ये देखें मैं आपको पाउडर भी दिखाता हूं। ये देखें ये मैंने पाउडर बनाया हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा, फिर मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है इस गर्मी में परिंदों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। और सिंपल चीज़ें और बहुत करामत और फ़ायदेमंद है। फिर वही देखें मैंने पंखा लगाया हुआ है 12 वोल्ट का ना, और ये कमरे में हवा घुमाता है। और ये देखें मेरे परिंदे सारे, ये देखिए ये सारे परिंदे मेरे माशाल्लाह, ये ठीक है, ऐसे सब सेट हैं, खुश हैं। और कोई परिंदा हाफ नहीं रहा, इस पर भी गर्मी बहुत हो रही है, टेम्परेचर 38 सब पहुँचा हुआ है। ये देखें और फीलिंग जो है 44 तक हो रही है, सब माशाल्लाह से सब खुश हैं। व्यूअर्स ये देखें मैंने फिंचों को आज नेस्टिंग डाली है और कैसे ये नेस्टिंग को ले जाने में मसरूफ़ हो गई हैं और ये फटाफट नेस्टिंग उठा रही है और अपने अपने मटकियों में लेके जा रही हैं माशाल्लाह। ये देखें कैसे बिजी हो गई हैं ये और कितना खुश हो रही हैं कि मैंने इनको नेस्टिंग डाली है। तो ये देखें कैसे ये बिजी हो, बेंगलाइज भी देखें इसके बराबर मैंने नया केज बनाया है, बेंगलाइज कैसे नेस्टिंग को देख रही है। मैं इनको भी नेस्टिंग दूंगा, मैंने अभी फिंचेस को डाली है, इनको भी नेस्टिंग दूँगा। ये देखें कैसे बिजी है, कैसे भाग भाग के ये लोग जो है ना नेस्टिंग खा रही है। लेकिन माशाल्लाह से ये अभी इनको मैंने बड़े केज में शिफ्ट किया है, लेकिन बेचारी बहुत छोटी केज में थी। बस ये देखें मैंने बेंगलाइज को भी नेस्टिंग डाली है, ये भी कैसे नेस्टिंग जमा करना शुरू कर दिया क्योंकि ये इनका ब्रीडिंग सीजन है ना। ये देखें इन्होंने भी नेस्टिंग को जमा करना शुरू कर दिया है। ये देखें कैसे ये भी नेस्टिंग उठाने में मशरूफ हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। बार ये देखें कैसे ये अपनी नेस्टिंग बना रहे हैं अपने हिसाब से, ये देखें कैसे बनाने माशाल्लाह। और पिंचेस भी जबरदस्त जो ना नेस्टिंग अपने गलियों में ले जा रहे हैं, ये देखें कैसे लोग शुरू हो गए। फिर ये देखेंगे मेरे पास 3 जोड़े डबके हैं, 2 वाइट डबके हैं और एक वाइट टेल का है ना, ये सब उनके बच्चे निकले माशाल्लाह से। ये देखें ब्रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेटअप में शुरू हो गए, सब मैंने पट्टे डाले थे, अब ये पट्टों के भी मेरे माशाल्लाह पट्टे निकले हैं, 7 पट्टे हैं। ठीक है, ये देखें
कि दो कलश के बच्चे ना, मैं ये देखें सारे बच्चे, ये देखें और ये देखें, ये कलर देखें, बिल्कुल वाश क्वालिटी के बच्चे हैं माशाल्लाह से, वाइट, ये देखें, ये देखें, ये देखिए, मेरे अपने घर के बच्चे निकले माशाल्लाह। फीवर, ये मेरे वो जोड़े हैं जिनके मैंने आपको अभी 7 बच्चे दिखाए थे, ये देखें अभी भी इनके 2 बच्चे निकले हैं, एक ये नीचे घूम रहा, सामने एक ये बैठा हुआ है ना, ठीक है, एक बच्चा देखें इस जोड़े का ये रहा, एक ये सामने का जोड़ा माशाल्लाह बिल्कुल पाइट जोड़ा बैठा हुआ है, इसकी भी देखें 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे मैं दिखाता हूँ इसमें, ये देखें, ये देखें 2 बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह से, और ब्रीडिंग चल रही है दबा के, दबका तो सीज़न है, और ये इनका मैंने ख्याल रखा, ध्यान रखा, और उन्होंने उसका मुझे सीला दिया, और मैंने क्या क्या दिया ये मैं इसको आपको एंड में ज़रूर बताता हूँ। पर ये मेरे होमो रोमो के जोड़े हैं, एक जोड़ा ये लगा हुआ है, ठीक है, इसके माशाल्लाह से 4 बच्चे निकले हैं, एक जोड़ा ये मेरा है, ये मैंने पट्ठे लिए थे, बड़े हो गए ना, मैं पट्ठे डाले थे सब, जितने भी परिंदे मैं आपको दिखा रहा हूँ सब पट्ठे देना, ये देखें इंडिया में मादा बैठी हुई है अंडों पे, ये देखें एक जोड़ा माशाल्लाह से ये है, ये देखें इसके भी 2 बच्चे निकले हैं कितने खूबसूरत, ये देखें, ये देखें, और एक जोड़ा ये है इसकी मादा अंडों पर माशाल्लाह। व्यूअर ये देखें, ये डबल फ्लावर बच्चा है, ये भी निकला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, इतनी खुशी होती है अपने घर के बच्चे ब्रीडिंग जब होती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन डबल फ्लावर है माशाल्लाह से, इतना खूबसूरत है, ये भी निकला है, मैं इसको खोलता हूँ, ये देखें इसके भी बच्चे, ये देखें माशाल्लाह बैठे हुए हैं, इसके 4 बच्चे हैं, 2 हंडिया में हैं, वो ब्लू है और ये 2 येलो है, जैसे कि माँ बाप ऐसे ही बच्चे निकले ना, ये देखें ये 2 बच्चे बैठे हैं डबल फ्लावर आपके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर ये मेरे पट्ठे माशाल्लाह बड़े हो गए, अब इनकी मैं पेयरिंग करूँगा, एक इसमें डेकिनो है और 2 स्प्लिट ब्लैक आई एल्बाइनो है ना, ये देखें ये मेरे पास 4 थे, एक रेड आई जो है ना वो मर गया था ना, और ये मैंने जोड़ा लिया था, ये देखें वाइट रेड आई, इसमें से एक जोड़ा जोड़े ने अंडे दिए हैं, ये देखें देख रहे हैं अंदर, अंदर बैठी हुई मादा तो कैसे फुल कार रही है, अंदर बाहर बैठा हुआ है, इसने अंडे दिए हैं, कोशिश करता हूँ माशाल्लाह 4-5 अंडे दिए हैं। ये मेरी है जावाओं की कॉलोनी है, इसमें मैंने रेड आइस और ब्लैक आइस सब 7 छोड़े हैं, और इनके जोड़े लग गए, और इनके अंदर हंडियों से ना मुझे बच्चों की आवाज़ें भी आती हैं ना, आज मैं इंशाल्लाह चेक करूँगा और दिखाऊँगा कि इन्होंने क्या ब्रीडिंग की है, क्या किया ये सेटअप, इंशाल्लाह मैं आज आपको अंदर जब जाऊंगा ना तो मुनि भी जा सकता है, तो कोई दरवाज़ा इसका था ऐसा है, मैं आपको इंशाल्लाह आज ये दिखाऊंगा कि ये अंदर क्या ब्रीडिंग सेटिंग है, क्या अंडे हैं, क्या बच्चे हैं, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये मुनि अंदर घुस गया कानून में, और अभी ये देखेगा और बताएगा कितने बच्चे हैं। व्यूअर्स ये देखें इसके अंदर माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, दिख रहे होगा आपको, ये देखें बिल्कुल खाली है व्यूअर्स, ये भी बिल्कुल खाली है, देख सकते हैं आप 2 मिनट का खाली है, एक बच्चे आ गए, और इसमें देख लेते हैं इसमें ये भी खाली है बिल्कुल, खाली है बिल्कुल, और ये भी बिल्कुल खाली है, और ये भी बिल्कुल खाली है, बाकी में खाली क्यों है,
और ये भी बिल्कुल खाली है, इसका पता नहीं है नहीं नहीं नज़र आ रहे भाई, नहीं नज़र आ रहे अभी तक आया। ये देखें वीवर माशाल्लाह, इसमें भी दो बच्चे हैं। ये देखें वीवर, मेरा व्लॉग बस आज यहीं तक था। बस आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे पास अभी जो भी ब्रीडिंग हुई थी वो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है वीवर। और मैंने जो बॉर्डर बनाया था ना वो था, उसमें मैंने जो मिलाया था उसमें था 4 शाशे ORS के और 1 ग्लूकोज का डिब्बा, जो कि मैं अपने परिंदों को रोज़ाना दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल आप रखें, सॉफ्ट फूड में जो भी आप दें, सब्ज़ियाँ दें और उसमें धनिया, पुदीना, चुकंदर और गंदम, चने, ये सब मैं इनको पीस के डाल रहा हूँ माशाल्लाह से। और जो इससे ना खा रहे हैं बहुत शौक़ से और मेरी ब्रीडिंग में भी फ़र्क आया। धनिया पुदीना यूँ ज़रूरी है, गर्मी बहुत है और जब वो डालता हूँ मैं और परिंदे मेरे गर्मी सह रहे हैं, बहुत गर्मी है मेरे ऊपर, दोनों कमरों में छत डली हुई है, बहुत गर्मी होती है और बड़े ज़्यादा गर्मी होती है। अभी माशाल्लाह से जब से मैंने सिस्टम शुरू किया है, मेरे पास ब्रीडिंग भी हुई है और बच्चे भी आए ना। और ये देखें, और मैंने अभी आपको दिखाया कि कितने के अंडे बच्चे दिए हुए। तो आपने सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल जरूर करना है, सब्जियों वाले सॉफ्ट फूड का, उसमें आप कुछ भी मिला के दे सकते हैं, एग ब्रेड भी मिला के दे सकते हैं, सब कुछ मिला के अगर सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें गर्मी के अंदर। ठीक है व्यूअर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।